हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। ये मुल्क डाइवर्स है और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसको इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। देश में एक बहस है, एक चर्चा है और मंथन है। क्या देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त आ गया है? क्या देश के सारे नागरिक, चाहे वो किसी भी पंथ, धर्म या समुदाय के हों, उनके लिए समान नागरिक संहिता अब जरूरी हो चुकी है? और क्या 2024 की बिसात पर यूसीसी एक रैशनल, इमोशनल और कैलकुलेटिव कार्ड है जो चला जा चुका है? भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? करीब चार दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी ने जब भरे मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की तो राजनीति गर्म हो गई और इस गर्माहट से सबसे ज्यादा उबला विपक्ष और एंटी मोदी महागठबंधन के हिस्सेदार। जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसको इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। तो क्या वाकई मुद्दा किसी तूफान का है या तूफान के नाम पर सियासी हवा तान देने वाला कोई हिडन फरमान है जो मुसलमानों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड का भय दिखाकर फॉरवर्ड किया जा रहा है? जैसे ही देश के भीतर समान नागरिक संहिता की बात होती है, एक शोर बहुत जोर से मचाया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में ये सीधा हमला मुसलमानों के पर्सनल लॉ पर है। कोई खुलकर बोलता है तो कोई वोट बैंक की नाराजगी के डर से बचकर निकलता है। जो भ्रम और भय की राजनीति यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फैलाई जा रही है उसमें कुछ लाइंस बहुत साफ है। विपक्ष आरोप लगाता है कि यूसीसी वास्तव में गैर हिंदू धर्म को मानने वालों की धार्मिक पहचान पर हमला है। ये कोड एक तरह से उनके रीति रिवाजों पर नकेल कसेगा। ये अलग अलग समुदायों के अस्तित्व पर हमला है। परोक्ष रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए हिंदू सिविल कोड को थोपा जा रहा है और ये देश की अनेकता और विविधता पर हमला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर वन। कर सकते क्या आप?
मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। सच ये है कि ऐसा डर और भ्रम आज से नहीं बल्कि तब से बखूबी फैलाया जा रहा है जब से देश के भीतर वोट बैंक की राजनीतिक लकीर खींचकर बहुसंख्यक आबादी की आकांक्षाओं को हाशिए पर धकेल दिया गया। तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड को सीधे चुनावी पैंतरेबाजी से जोड़कर देखती और दिखाती है? आपने लव जिहाद करके देख लिया, बुलडोजर चला के देख लिया, बजरंग बली करके देख लिया, मंदिर बना के देख लिया, अब अकेला आप समझते हो कि यूसीसी सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी है, अब ये आपकी गलतफहमी है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर कांग्रेस वही कह और कर रही है जो 80 के मध्य के दशक में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो केस में कट्टरपंथियों और मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में किया था। तब समान नागरिक संहिता लागू करने के बजाय तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम वुमन एक्ट 1986 बना दिया ताकि शाहबानो केस में आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बेअसर हो जाए। और हुआ भी यही, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पैंतरेबाजी में शाहबानो के पक्ष में आया सुप्रीम फैसला बेअसर हो गया। शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट से तो न्याय मिला लेकिन उसे तत्कालीन सरकार ने न्याय नहीं दिया। और यही वजह है कि पीएम मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को सीधे मुस्लिम औरतों और बेटियों के अधिकारों से जोड़ते हैं। हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और हक तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर ऐसी भाषा और आक्रामकता का पुट वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियों की तरफ से बांधा जाता है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के भीतर मुसलमानों के मानवाधिकारों पर हमला करने का हथियार हो। ये जेस्चर सस्ती कट्टरपंथी लकीर पर अपनी सियासत चमकाने वाले सलीकेदार नेता बड़ी बेतरतीबी से दिखा रहे हैं, मजहबी लाइन पर चलते यूसीसी पर बेमुरव्वत तलवार भांजते। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हम कुरान के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा करते हैं। कुरान पाक ने जो हमें हिदायत दी है हम उसके खिलाफ कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कितने ही बिल आ जाए जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है हम वो काम करेंगे। और अगर किसी मुसलमान को कुरान पाक की बताए हुए रास्ते में नहीं चलना है तो मेरी सलाह है कि वो इस्लाम छोड़ के कहीं और चले जाए। लेकिन भय और भ्रम की विपक्षी पैंतरेबाजी सिर्फ मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं है बल्कि पीएम मोदी की तरफ से उठाए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर अब भ्रम और भय का विपक्षी दांव आदिवासी समुदाय की तरफ भी फेंका जा रहा है। इसके पीछे भी एक रणनीति है। दरअसल 2024 से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं। इन राज्यों की कुल आबादी में आदिवासियों की संख्या करीब 10-34% तक है। तो क्या यही वजह है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से बात यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिस्कशन की होती है तो विपक्ष आदिवासी समाज में भी कंफ्यूजन के बीज रोपता है? देखिए, अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका उसके नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो जिस शून्य में खड़ी है वहां से एक छोटा कदम भी उसकी बड़ी उपलब्धि है और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उठाए गए सवाल भी उसके राजनीतिक कदम का हिस्सा है, क्योंकि पिछले एक दशक में कांग्रेस से आदिवासियों और मुस्लिमों का मोहभंग खूब हुआ है। आदिवासियों का भरोसा बना है पीएम मोदी और उनकी नीतियों पर। बात विविधता को निगलने की नहीं है बल्कि विविधता को एक सूत्र में बांधने की है।
और वही सूत्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूसीसी को लेकर जिस लाइन पर विपक्ष आदिवासियों को भ्रम में डालने में लगा है, क्या वो कारगर साबित होगा? इन झूठी गारंटी देने वालों का रवैया हमेशा से आदिवासियों के खिलाफ रहा है। पहले जनजातीय समुदाय के युवाओं के सामने भाषा की बड़ी चुनौती आती थी, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई है। झूठी गारंटी देने वाले एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाए। वो जानते हैं कि अगर आदिवासी, दलित, पिछड़ा और गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो इनकी वोट बैंक की सियासत चौपट हो जाएगी। मध्य प्रदेश में करीब 2 करोड़ आदिवासी आबादी है। राज्य की आबादी में करीब 20% अनुसूचित जनजाति है। सूबे की कुल 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटों का असर है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 के चुनाव, दोनों में ही मध्य प्रदेश की सभी आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। तो क्या 2024 के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सेट हो चुका है और क्या आदिवासी बेल्ट में इस मुद्दे पर विपक्षी भ्रमजाल को मोदी मैजिक तार तार कर देगा? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बड़ा मुद्दा है तो बीजेपी बनाम ऑल की सबसे बड़ी कसौटी भी है। फिलहाल इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस में उतरने के बाद भी विपक्ष के तमाम खुरपेचों के बाद भी जो ताजा सर्वे है वो यूसीसी और दूसरे मुद्दों पर मौजूदा बहस मुबाइसों के बीच मोदी की हवा का रुख जरूर बताता है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो देश में किसको कितनी सीट मिलेंगी। इस सर्वे में मोदी लहर के बरकरार रहने का इम्प्रेशन है, जिसके चलते बीजेपी गठबंधन को 285 से 325 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 111 से 149 सीटें मिल सकती है। वहीं टीएमसी को 20 से 22 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस को 24 से 25 सीटें, बीजेडी को 12 से 14 सीटें, बीआरएस को 9 से 11 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 से 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4 से 8 सीटें, तो अन्य के खाते में 18 से 38 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। और यूसीसी मुद्दे पर तमाम शोर शराबे के बीच यूपी में कांग्रेस पस्त दिखती है, जबकि बीजेपी को सर्वे में 80 सीटों में से 68 से 72 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को 2014 में 74 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में 62 सीटें मिली थी, यानी उसकी सीटें सर्वे में बढ़ रही हैं। जबकि बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, जिसे 2019 के चुनाव में 10 सीटें मिली थी। कांग्रेस का हाल बुरा है। आज अगर चुनाव हुए तो यूपी में कांग्रेस को 80 में से 1 या 2 सीट मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 से 8 सीट मिल सकती है। तो क्या अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 के अंत के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा 2024 में मोदी विजय का सिद्ध सूत्र बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।